Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take our pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Dear students, today we will revise our grammar lesson number 1. भाषा लिपि और व्याकरण जो आपकी हिंदी व्याकरण में शामिल है. भाषा होता है लैंग्वेज, लिपि होती है स्क्रिप्ट और व्याकरण मतलब ग्रामर एज यू वेरी वेल नो. लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी अपने मन के भाव प्रकट करते हैं. सभी के अपने अपने तरीके हैं. मनुष्य अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए कई तरीके अपनाता है. जैसा कि आप बेटा देख सकते हो इन सभी चित्रों में चिड़िया कैसे बात करती है, ची ची बोलकर. और देखो यहाँ एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जिसके पास एक बच्चा बॉल खरीदने गया है और वो कैसे आपस में बात करते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट. यह फुटबॉल कितने की है, बच्चा पूछ रहा है और दुकानदार बोल रहे हैं 100 रुपए की. ठीक है, ऐसे वो एक दूसरे के मन के भावों की, मन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं. इन दिस पिक्चर बेटा वी कैन सी क्लासरूम सीन. इसमें टीचर जैसे आप सबको जब साइलेंट रहने के लिए बोलती हैं देन क्या बोलते हैं, बच्चों चुप, है ना. ऐसे टीचर चाहती हैं कि बच्चे चुप हो जाएं और फिर बच्चे समझ लेते हैं और चुप हो जाते हैं. इसमें हाथों का भी प्रयोग किया गया है. हाथों से टीचर बता रही है कि चुप हो जाइए, अपने मुंह को बंद कर लीजिए. इसमें देखिए बेटा, इसमें एक बच्चा अपनी मदर को लेटर लिख रहा है. माताजी को पत्र लिखता हूँ, पढ़ेंगी तो तुरंत चली आएंगी. ठीक है, सोच रहा है मन में, साथ ही साथ पत्र लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है. बच्चों पशु पक्षी अपनी बात कहने या मन के भाव प्रकट करने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं. जैसे चिड़िया ची ची कह रही है. मनुष्य अपनी बात कहने और समझने के कई तरीके अपनाता है. जैसे एक अपनी बात कहता है और दूसरा उन्हें सुनकर समझता है, या फिर एक अपनी बात लिखता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है. मनुष्य द्वारा इस प्रकार अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान का माध्यम ही उनकी भाषा कहलाता है. मतलब चाहे हम लिखें, चाहे पढ़ें, चाहे सुनें, ठीक है, ये सारी स्किल्स किससे रिलेटेड हैं, भाषा से रिलेटेड हैं. और एक इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड किया है ज्ञान की बात में. कभी कभी मनुष्य अपनी बात प्रकट करने के लिए संकेतों या इशारों का सहारा भी लेता है. जैसे इसमें है ना, टीचर उंगली के साथ इशारा कर रही है. इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों, सांकेतिक भाषा. परंतु व्याकरण इसे भाषा का दर्जा नहीं देता है. मतलब ग्रामर में ये चीज़ शामिल नहीं होती क्योंकि वो तो बॉडी के पोस्चर्स हुई हो गई ना, हम उसे नहीं लिख सकते. इसीलिए बस इसे हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा. आगे आते हैं बेटा भाषा के प्रकार. भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है. लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है.
भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, कश्मीर में कश्मीरी, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, ओडिशा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी बोलते हैं, असम में असमिया आदि। संसार के विभिन्न देश भी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो, इनके गेटअप से ही पता चल रहा है हमें, है ना। जैसे हमारे देश में अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस, वेशभूषाएँ डाली जाती हैं, ऐसे ही सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएँ भी बोली जाती हैं। जैसे अब इंटरनेशनल लेवल पर बेटा आपको दिया गया है ये वाला, देश इंग्लैंड, इंग्लैंड में भाषा कौन सी बोली जाती है, अंग्रेज़ी, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस देश में रूसी, फ्रांस में फ्रांसीसी, नेपाल में नेपाली। और आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी। यस, आपकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, गुड। अंग्रेज़ी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर पूछेंगे तो इंटरनेशनल भाषा कौन सी है, मतलब ऐसी कौन सी कॉमन सी भाषा है जो सारे लोग, देश के लोग बोल लेते हैं, सारे देशों के लोग एक सांझी जिन भाषा बन गई है, हम सभी जानते हैं, वो कौन सी है, अंग्रेज़ी, इंग्लिश। अब हम बेटा लिपि के बारे में पढ़ेंगे, पहले भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेत अथवा चिन्ह बनाए जाते हैं, इन्हें लिपि कहते हैं। देखिए, अब हम, ये है क, ये एक तरह का चिन्ह है ना, ठीक है। इस चिन्ह को साउंड दे दी क की, है तो ये एक तरह की शेप है ना, बट इसे ऐसे प्रकार का जो अक्षर अगर हम लिखते हैं, लिखने के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं, तो हम इसे लिपि कहेंगे, ठीक है। जैसे इन्हें लिपि कहते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, जिसमें उड़ा आड़ा ईडी लिखते हैं ना, वो अलग प्रकार के अक्षर होते हैं ना, बांग्ला की अलग है बांग्ला, अंग्रेज़ी रोमन, रूसी रूसी, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की भी रोमन, अरबी की फारसी, पोलिश भाषा की लिपि है रोमन, और बुल्गेरियन भाषा की लिपि रूसी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्याकरण। व्याकरण में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलने, पढ़ने, लिखने के कुछ नियम होते हैं, हमें इन नियमों को सिखाने वाला शास्त्र है, उसे ही व्याकरण कहते हैं, ठीक है। रूल्स सारे, जैसे आपकी बुक है ना व्याकरण बुक, इस बुक में क्या सीखते हो आप, सारे आपको राइटिंग के स्किल्स आती हैं, कि हमने भाषा लिखनी कैसी है, पढ़नी कैसी है, ये सारी चीज़ें व्याकरण कहलाती हैं। मौखिक और लिखित भाषा रूप के कुछ उदाहरण दिए गए हैं इसमें। मौखिक के वर्ड से ही पता चलता है बेटा, मुख से जो काम हो रहा है, ठीक है, मौखिक, मुख से, हमारे मुँह से। लिखित जो हम लिखते हैं, रिटन फॉर्म में जो हम काम करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। मौखिक रूप में देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, गायन, सिंगिंग हम बोलकर करते हैं, भाषण, कोई भी लेक्चर दे रहे हैं तो वो बोल कर देंगे, वार्तालाप, वार्तालाप होता है कन्वर्सेशन, बातें करना, ठीक है, एक दूसरे को अपने विचार बताना, वो भी हम मौखिक रूप की भाषा में करेंगे। लिखित रूप, कंप्यूटर में जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं ना, सो दैट लेटर्स हैं जो वो मॉनिटर में शो हों और सेव हो जाएं, उसमें हम लेटर्स लिखते हैं, इट मींस इट इज़ अ
लिखित रूप ऑफ इट। पत्र पत्रिकाएं, बेटा पहले ज़माने में पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग बहुत होता था, आज भी होता है, बट अब इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें आ गई हैं इसीलिए थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा, बट अभी भी आप पत्र लिख सकते हैं अपने रिश्तेदारों को या किसी को भी। पत्र पत्रिकाएं, पत्रिकाएं हो गई मैगज़ीन, ठीक है, इसमें सारे न्यूज़पेपर वगैरह आ जाएंगे, सारी चीज़ें हम किस रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें लिखित रूप में, है ना, हम पढ़ लेते हैं उन्हें, लिखा हुआ होता है जो उन्हें पढ़ लेते हैं। उसके बाद पुस्तकें, पुस्तकें सबसे बड़ा एग्जांपल है अगर देखा जाए, बुक्स हम रीड करते हैं ना, उसमें क्योंकि भाषा लिखी होती है और हम उसे पढ़ लेते हैं, इससे हमें विचारों का पता चल जाता है। ज्ञान की बात, इसमें एक नॉलेज पॉइंट है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। मतलब हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर 1949 को, 1949। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश की सर्वाधिक जनसंख्या हिंदी भाषा ही बोलती है, ठीक है। अब तक हमने क्या जाना, मेन टॉपिक्स हम रीड कर लेते हैं। भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। बोलना और सुनना मौखिक भाषा रूप है, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा रूप है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी व्याकरण से होती है, ठीक है। इसमें बेटा मैंने आपको रिटर्न असाइनमेंट जो सेंड करना है उसमें मैंने सारी ये चीज़ें आपने नोटबुक पे कवर कर लेनी है, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड, टेक केयर बेटा।